ये कहते हैं डबल इंजन की सरकार। इस बार गुजरात को डबल इंजन नहीं चाहिए, नया इंजन चाहिए, नया। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत में, आपके साथ राघव शर्मा। 25 सालों से गुजरात की सत्ता में काबिज बीजेपी को इस बार पहली बार कांग्रेस, वहीं आम आदमी पार्टी से भी उनके गढ़ में टक्कर मिल रही। इस बार गुजरात चुनाव में जिस प्रकार आम आदमी पार्टी ने अपना चुनावी प्रचार शुरू किया है, वहीं चुनावी प्रचार के साथ गुजरात में आपकी हवा बन चुकी है। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि इस बार गुजरात चुनाव में बीजेपी की टक्कर सीधी आपसे मानी जाती है, वहीं आप इस बार बीजेपी को टक्कर दे सकती है और इसका समीकरण बिगाड़ सकती है। गुजरात में चुनाव त्रिकोणी हो चुका है, कांग्रेस के बाद आप भी आ चुकी है बीजेपी के सामने। बीजेपी की लड़ाई आपसे देखी जा रही है। कांग्रेस का कहना है कि आपके आने से ना हमें फायदा होगा ना ही नुकसान होगा, जो फायदा और नुकसान होगा वो बीजेपी को होगा क्योंकि हम इस बार सत्ता में आने के लिए तैयार है। वहीं आपके चुनावी प्रचार में इस बार कई वादे किए गए। इस बार आपने सीएम पद के लिए कैसे उम्मीदवार को सामने उतारा है जो लोकप्रिय चेहरे के रूप में गुजरात में देखे जा चुके हैं। गुजरात के चुनाव इस बार अलग ही रंग से देखे गए हैं। आइए जानते हैं कि गुजरात में इस बार किसकी सत्ता होगी, कौन गुजरात की बागडोर संभालेगा। आम आदमी पार्टी के आने से गुजरात चुनाव इसलिए दिलचस्प हो गया क्योंकि यहां पिछले चुनाव में 35 सीटों पर जीत का अंतर बेहद कम था। 35 विधानसभा सीटें ऐसे थी जहां जीतने और हारने वाले उम्मीदवारों के बीच महज 1 से 5 हजार वोटों का अंतर था। 1 हजार वोटों के अंतर से जिन सीटों पर जीत हार तय हुई थी उन सीटों की कुल संख्या 7 थी। इन 7 सीटों में से 3 बीजेपी तो वहीं 4 कांग्रेस ने जीती थी। 1 से 2 हजार वोट के अंतर से जिन सीटों पर जीत हार तय हुई थी उन सीटों की कुल संख्या 9 थी। इन 9 सीटों में से 3 बीजेपी तो वहीं 5 कांग्रेस ने जीती थी और वहीं 1 एनसीपी के खाते में भी गई थी। 2000 से 3000 वोटों के अंतर से जिन सीटों पर जीत हार तय हुई थी उन सीटों की कुल संख्या 11 थी। 11 सीटों में से 8 बीजेपी तो वहीं 3 कांग्रेस ने जीती थी। 3000 से 4000 वोटों के अंतर से जिन सीटों पर जीत हार तय हुई थी उन सीटों की कुल संख्या 6 थी। इन 6 में से 5 बीजेपी तो वहीं 1 कांग्रेस के खाते में गई थी। 4 से 5 हजार वोटों के अंतर से जिन सीटों पर जीत हार तय हुई थी उन सीटों की कुल संख्या 2 थी। इन 2 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। अब देखना ये होगा कि आम आदमी पार्टी के आने से गुजरात चुनाव में क्या नतीजों में बड़ा फेरबदल होगा या नहीं। हालांकि रोमांचक मुकाबला होगा ऐसा सभी राजनीतिक विश्लेषक का कहना है।